हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नागिन 6 के मेजर अपडेट के बारे में, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था और कुछ हफ्तों पहले भी बताया था कि नागिन 6 को जैसी जनरेशन लीप वगैरह मिला था तो करियर्स टीवी का ये प्लान था कि शो को आगे और एक्सटेंड करना है, और अभी के लिए बंद करने का नहीं सोच रहे थे। बिकॉज वो चाहते थे कि उन्हें कोई प्रॉपर ऐसा सीरियल मिल जाए जो कि रिप्लेसमेंट हो नागिन 6 की वीकेंड्स पे 8 बजे वगैरह की स्लॉट पे, और उन्हें जब तक वो ऐसा सीरियल कोई मिल नहीं रहा था जिसमें वो कॉन्फिडेंट हो, वो कोशिश नहीं कर रहे थे कि इस सीरियल को बंद करें और इसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देने वाले थे। लेकिन गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में कलर्स टीवी ने अपना डिसीज़न बदला है और कलर्स टीवी के जो हायर बॉसेस वगैरह हैं उन्होंने एकदम से डिसीज़न चेंज कर दिया है और अब डिसीज़न ये लिया है सीरियल को बंद करने का। तो गाइस, उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया है कि शो को और खींचा ना जाए और ड्रैग ना करा जाए, और ये इसलिए लिया गया है बिकॉज वो वीकडेज वाले सीरियल्स जो हैं जैसे कि शिव शक्ति और जो नया आने वाला है, उन दोनों सीरियल्स को यानी कि नीरजा और शिव शक्ति को सैटरडे टू संडे पे भी दिखाएंगे। वो वेट नहीं करने वाले बिकॉज अब वो और वेट नहीं करना चाहते कि उन्हें कोई ऐसी प्रॉपर रिप्लेसमेंट वाला सीरियल पहले मिले जिससे वो नागिन को बंद करें। तो अब नागिन ऑफर चला जाएगा, यहाँ तो आने वाले हफ्ते में जाएगा या फिर उसके एक हफ्ते बाद जाएगा। हाउएवर, इन्होंने बिल्कुल भी प्रमोशन भी नहीं करी है ग्रैंड फिनाले की, इसी करके न्यूज़ बिल्कुल भी लीक नहीं हो पाई। लेकिन ये जो कलर्स टीवी का डिसीज़न है बहुत ही लास्ट मोमेंट पे रहा है, पिछले कुछ दिनों में लिया गया है और काफ़ी शॉकिंग डिसीज़न रहा है। बिकॉज कुछ हफ्तों पहले इनका डिसीज़न यही था कि नागिन 6 को बिल्कुल भी बंद नहीं करना, लेकिन हम कलर्स टीवी की बात कर रहे हैं जो कि अपने डिसीज़न इस तरह से बदलता है, जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं ऑलरेडी। तो फिर से ये डिसीज़न बदला गया है। पहले नागिन 6 को बहुत एक्सटेंशंस मिलने वाली थी, लेकिन अब ऑफर किया जा रहा है और इसको एक्सटेंड नहीं करने वाले। कुछ फैंस के लिए रिलीफ की बात होगी बिकॉज फैंस ये नहीं चाहते थे कि और ड्रैग करा जाए, लेकिन कुछ फैंस के लिए ये बुरी खबर भी हो सकती है। तो जब IPL होने वाला था, IPL के पहले ही मैंने आपको बताया था कि नागिन 6 बंद होने वाला है अपकमिंग मंथ्स में, जब भी बंद होगा तो। लेकिन फिर मैंने कुछ हफ्तों पहले आपको ये भी बताया था कि अब कलर्स टीवी का जो प्लान है वो ये है नागिन 6 को बंद ना करने का और आने वाले टाइम में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देने का। तो प्रॉपर टाइम बाय टाइम जैसे जैसे कलर्स टीवी के डिसीजंस चेंज हुए हैं उसके बारे में आपको बताता रहा हूँ, और अब फिर से उनका डिसीज़न जो है वो फिर से वही वाला हो गया जो कि IPL के पहले वाला था कि IPL के बाद नागिन 6 को बंद कर दिया जाएगा। तो इस सडन चेंज ऑफ प्लान्स देखने को मिले हैं। एक तो इसमें ये भी एक अच्छा फैक्टर है कि शिव शक्ति पे इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी था और उसने अच्छा परफॉर्म भी किया, और अब शिव शक्ति और नीरजा को सैटरडे टू संडे पे भी देखने को मिला करेंगे, और इसी करके नागिन 6 को अब ऑफर भी करा जा रहा है। नागिन 6 की TRP जो है वो अच्छी थी, और कलर्स TV पे शिव शक्ति अब एक नया सीरियल आ रहा है वो भी अच्छी TRP लेकर आ रहा है। बाकी उड़ारियां परिणीति है ही हैं और नीरजा भी स्टार्ट होने जा रहा है। उन्होंने ये प्लान ले लिया है, ये सडन चेंज जो है प्लान में इस करके करा है बिकॉज और एक्सटेंड नहीं करना चाहते और ड्रैग नहीं करना चाहते नागिन की स्टोरी को, और फिर आने वाले साल में नागिन 7 के साथ नए फ्रेश तौर के तरीके पे वापस भी लेकर आने का उनका प्लान है। तो अभी कुछ हफ्तों पहले जो नागिन 6 को एक्सटेंशंस मिलने वाली थी यानी कि मिली ही थी अब तक तो, लेकिन और भी एक्सटेंड किया जाने वाला था, अब वो कोई भी एक्सटेंशन वगैरह इस सीरियल को मिलने नहीं वाली है। और अब इसी वीकेंड सीरियल का ग्रैंड फिनाले देखने को मिलेगा या फिर इससे एक वीक बाद, बट अभी कुछ दिनों में आपको इसका ग्रैंड फिनाले देखने को मिल जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि ग्रैंड फिनाले है और कलर्स टीवी का टॉप शोज में से एक है नागिन, फिर भी कलर्स टीवी ने अच्छी प्रमोशन क्यों नहीं करी इसके ग्रैंड फिनाले की। इसको ग्रैंड फिनाले को एज अ इवेंट कर सकते थे प्रमोट, लेकिन बिल्कुल भी प्रमोशन ज़्यादा उस लेवल पे नहीं मिली है, और अगर करते तो TRP अच्छी आ सकती थी काफ़ी ग्रैंड फिनाले की, यानी कि इंक्रीज देखने को मिल सकता था TRP में और भी। तो गाइज, ये है शॉकिंग डिसीजन चेंज जो कि कलर्स टीवी ने रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में करा और अब न्यूज़ जाकर लीक हो गई है। तो नागिन 6 के फैंस के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, अब नो एक्सटेंशन, शो फाइनली ऑफर जा रहा है, बंद जा रहा है इस बार फाइनली। और कलर्स टीवी की सारी लेटेस्ट अपकमिंग न्यूज, नागिन 6 से सारे अपकमिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर और पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी कलर्स टीवी के अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।